फूलों का तारों का सबका कहना है भैया, आप शादी के लिए मान गए? हजारों में मेरी बहना थी सारी उम्र हमें संग। बहन को मार कर भाई को होता नहीं दर्द, कहां से आती है ऐसी भयानक सोच? इस बार सुलझाएंगे ऐसी ही उलझी सोच के धागे, ताकि आप रहें जुर्म से एक कदम आगे। नया सीजन, नई अप्रोच, डिकोड करेंगे अपराधी की सोच। सावधान इंडिया क्रिमिनल डिकोडेड, 26 सितंबर से रात 10:30 बजे स्टार भारत पर। मैं जानती हूँ आप जाग रहे हैं। आगरा आना पड़ेगा अभी। ठीक है मैम, निकलते हैं जी। तुम चलो, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूं। माँ जी,
चाची। माची माची अब कहाँ है? माची कौन? दरवाजा क्यों बंद कर दिया था? अरे दीदी आप तो डर गए, हमको नहीं पहचानेगा? अरे हम पर्वतिया। आपको क्या लगा कोनो भूत उठ आ गया का? चलिए ऊपर अम्मा जी आपका इंतजार कर रही हैं। चलिए आइए। घबरा गए ना हम तो बेटा। अम्मा जी बस सारा टाइम आकाश 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 करती रहती है। कल तो इतनी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए हमने तुमको बुला लिया यहाँ पर दिल्ली से आगरा। अच्छा किया ना हमने। बिटिया अब तो ना बेचारी अम्मा जी की सिर्फ एक ही तो इच्छा है, जाने से पहले वो परपोते की शक्ल देखना चाहती। भाग्यवती को गुजरे हुए एक बरस बीत गया है, पर ये दुख है कि हमारा पीछा ही नहीं छोड़ता है। क्या करें अब? अरे ओ परपोतिया, कितनी बार कहें हम तुमसे, वो फोटो हटाओ वहां से, समझ में नहीं आती है तुमको बात? निकालो उसको वहां से जल्दी से जल्दी। जा रहे हैं। हाँ जाओ। आकाश की दादी मरने से पहले अपना पड़पोता देखना चाहती है। उम्र के आखिरी पड़ाव में अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ते हुए देखना एक बड़ा सुख है, लेकिन ये सुख देना तो उसी के हाथ में है ना जिसने हमें जीवन दिया है। कई बार हमारे चाहने या अड़ जाने से बात बिगड़ जाती है, और यहाँ आकाश की दादी ही नहीं उसकी माँ भी संतान के लिए बेताब है। कहीं यही बेताबी तो आकाश की पहली पत्नी की हत्या का कारण नहीं बनी? निम्मी इस घर में दूसरी बहू बनकर आई है। मिम्मी और आकाश की शादी तो हो गई है, लेकिन पति पत्नी ने अब तक एक दूसरे को ठीक से अपनाया नहीं है। ऐसे में संतान पैदा करने का भावनात्मक दबाव कहीं निम्मी के लिए भी तो खतरा नहीं बनने वाला? Thank you.
काश ये तस्वीर मिली मुझे आपकी। देखिए ना कितने खुश नजर आ रहे हैं इसमें आप। इतना वक्त हो गया हमारी शादी को पर मैंने कभी आपको इतना खुश नहीं देखा। आकाश आकाश सुनिए, हमेशा डरा देती हैं। अरे हम कहाँ डराते हैं, आप तो खुद ही डर जाती हैं। अब ये बात छोड़िए, आप ये बताइए कि इतनी रात गए आप यहाँ क्या कर रही हैं? आकाश भैया सोने नहीं दे रहे का? नहीं वो मैं तो बस ऐसे। खैर कोई बात नहीं, एक काम करिए जाके जल्दी सो जाइए। जाओ सुबह जल्दी उठना है ना, जाओ। जाओ सो जाओ। आकाश सुनिए, मैं आपके लिए चाय लाई थी, उठिए ना। भाग्यवती थोड़ी देर और सोने दो ना, फिर उठा देना। भाग्यवती नहीं निम्मी, भाग्यवती प्लीज होने दो प्लीज। ओ बहुरिया, आई माँ जी।
आपने बुलाया माँ जी? देख बिटिया, अपने पति को अपने बस में करना भी औरत का ही काम होता है, और ये तुझे करना है बिटिया। देख, आज का दिन बहुत शुभ है, इस घर की खुशियां लौटा दे है? हम तुझे बादाम वाला दूध बनाकर देंगे, और फिर वो डिंपल वाला मुन्ना ये पर्पल वाला स्वेटर पहनेगा, क्यों है ना? सब क्या करिए यहाँ, क्यों खड़ी हैं? अरे दीदी, आप जानती हैं, रात में हम एक भूतिया फिल्म देखे थे, उसमें एक चुड़ैल थी, उसके इतने इतने बड़े बाल थे, ऐसे उसके हाथ थे, वो ऐसे ही ऐसे। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, तो मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ पूछिए ना। आप भाग्यवती को जानती थी? अरे भाग्यवती दीदी बहुत ही सुंदर थी, हमारी भाग्यवती दीदी। आकाश भैया तो उनपे लट हुआ करते थे, बहुत ही प्यार करते थे उनसे। अब उनकी मौत कैसे हुई थी? अब ज्यादा तो हम जानते नहीं हैं दीदी, लेकिन लोग कहते हैं कि वो सीढ़ियों पर से गिरी और उनकी मौत हो गई। आकाश भैया तो बेचारे फूट फूट कर रोए थे, लेकिन माँ जी को कोनो ज्यादा दुख नहीं हुआ था। बस कर बेटा, बस कर, और रोना धोना मत कर। तू अभी बहुत छोटा है बेटा, बहुत कम उम्र है अभी तेरी, तू तो अब दूसरी शादी करने का मन बना ले। आपके पास भाग्यवती के कमरे की चाबी तो होगी ना? चाबी? चाबी तो है हमारे पास, लेकिन माँ जी मना की है किसी को भी देने के लिए। लाइए दीजिए। ये हम आपको नहीं दे सकते दीदी, ये चाबी। ये तो वही औरत है जब जो मुझे मिली थी, का मतलब ये इसी घर में काम करती थी। गिरीज, कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी लग रही। भाग्यवती से भी अच्छी। बताइए ना,
निमी तुम्हें पता है मेरी प्रॉब्लम क्या है? क्या हुआ बहुरिया? सब ठीक है ना? हमने जैसा कहा था वैसा ही किया ना तुमने रात को? है अम्मा जी को जल्दी खुशखबरी मिल जाएगी ना? माँ जी, मुझे लगता है कि आपको आकाश से बात करनी चाहिए। आकाश से? वो भाग्यवती के दुख से अब तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। क्या बात है बेटा, सब ठीक है ना तुम दोनों के बीच में? अरे असल में हमें बहुत चिंता हो रही है, काहे कि अम्मा जी की तबीयत खराब होती जा रही है ना दिन पे दिन। पोती का मुंह तो देख पाएंगे ना वो? माँ, दरअसल मैं भाग्यवती को अभी भी भूल नहीं पाया हूँ, लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, थोड़ा समय लगेगा लेकिन मैं जल्दी उन यादों को भूल जाऊंगा। ये समझ नहीं आ रहा कि अम्मा जी को कैसे समझाऊं। तुम चिंता मत करो बेटा, अम्मा जी को हम संभाल लेंगे। नहीं है इसका मतलब भाग्यवती मां नहीं बन सकती थी, और माँ जी भी मुझे बच्चे के लिए बोलती रहती है हर रोज। और ये रिपोर्ट इसे छुपा के क्यों रखी हुई है यहाँ? क्या सच में भाग्यवती की मौत एक हादसा थी या उसे किसी ने मारा था? देख बेटा, तुझे निम्मी बहुरिया के साथ भी यही करना होगा। लेकिन माँ, मैं अगर तूने नहीं किया ना तो तू हमारा मरा मुंह देखेगा, हम कह रहे। आकाश की माँ को बेटे से संतान चाहिए, लेकिन बच्चा पाने की ललक में वो अपने बेटे की शादीशुदा जिंदगी में जिस तरह से दखल दे रही हैं, उससे उन पर संदेह तो पैदा होता ही है। पर क्या ये संदेह सही है या फिर असली सच अब भी सामने आना बाकी है? आइए ना प्लीज, क्या बात है, हम यहाँ क्यों आए हैं? आप ठीक है ना? बोलिए ना, निमी सी आप है? जी। क्या हुआ? वो तुम्हारे कुछ टेस्ट कराने हैं। मेरे? कौन से टेस्ट? दो मिनट में आ रहे हैं। निमी, तुम्हारे फर्टिलिटी टेस्ट कराने हैं, ये देखने के लिए कि तुम मां बन सकती हो या नहीं। क्या? आपको पता भी है आप क्या कह रहे हैं?
छह महीने हो गए हमारी शादी को, आपने एक बार मेरी तरफ देखा तक नहीं है, और आप मुझे इस फर्टिलिटी टेस्ट के लिए लेके आए हैं। निमी, सिर्फ माँ की तसल्ली के लिए। आप माची को सच क्यों नहीं बता देते? क्यों नहीं कहते उनसे कि आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते? दूर भागते आप मुझसे। मैं कोई टेस्ट नहीं करवाऊंगी। निमी, तुम जानती हो कि मैं अभी भी अपनी पहली पत्नी को नहीं भूल पाया, लेकिन मुझे थोड़ा समय और दो, और फिलहाल सिर्फ माँ के लिए टेस्ट करा लो। निमी देखो, तुम्हारे ऊपर किसी भी तरीके का कोई दबाव नहीं, अगर तुम्हें ये टेस्ट नहीं कराने तो बिल्कुल मत कराओ। मैं माँ को समझा दूंगा, उनको सच बता दूंगा अपने बारे में, हमारे बारे में, फिर उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। अगर तुमने नहीं किया ना तो तू हमारा मरा मुंह देखेगा। निमी, मैं फैसला तुम पे छोड़ता हूँ, टेस्ट करें या ना करें। तो क्या करें, टेस्ट करें? आकाश बोलो, भाग्यवती की मौत कैसे हुई थी? अब मेरा मतलब है कि उनका एक्सीडेंट हुआ था या कुछ और? बताइए ना प्लीज। वो सीढ़ियों से गिर गई थी। तो उस वक्त घर पे कौन था? घर पर सिर्फ माँ थी। अच्छा निमी, मैं निकलता हूँ, लेट हो रहा है। वापस आते वक्त हॉस्पिटल से रिपोर्ट कलेक्ट कर लूंगा, और तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो, अपना ध्यान रखो बस। अब आपका नाम क्या है? आप यही इसी कोठी में काम करती थी ना? भाग्यवती को जानती हैं? आप उनके साथ आई थी है ना? कौन मार डालेगा? बताइए ना मुझे, क्या हुआ? क्या हुआ? भाग्यवती को किसी ने मारा था क्या? मार दिया, मार दिया, मार दिया। किसने मारा? मार दिया, मार दिया। बोलिए, किसने मारा? किसने मारा था भाग्यवती? भाग गया। क्या सुनिए मेरी बात? भाग जा, भाग जा, भाग जा। भाग्यवती माँ नहीं बन सकती। उस वक्त घर पे कौन था? घर पर सिर्फ माँ थी। माँ चलो थोड़ा सा खा लो। माँ। अरे काहे खाए भाई, हमको तो जीना भी नहीं है। सारे जमाने भर के दुख आके हमारी झोली में फूट पड़े। अम्मा जी भी बेचारी चली गई, उनके जीते जी भी पोते का सुख नहीं लिखा था, और हमारे जीवन में भी नहीं है पोते का सुख। माँ, माँ सब ठीक हो जाएगा,
आपकी और अम्मा जी की इच्छा जरूर पूरी होगी, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। ये डॉक्टर ने रिपोर्ट दी है ना? डॉक्टर ने दी है ना रिपोर्ट, तो कहाँ ठीक होगा फिर? लिखा है ना इसमें कि निम्मी भी नहीं बन सकती है माँ, भाग्यवती भी नहीं बन सकती थी। अरे भगवान, तो अब आप क्या करेंगी माँ जी? दबाव डालेंगी मुझ पे कि मैं भी अपनी जान दे दूं? निम्मी, क्या कह रही हूँ? मैं वही कह रही हूँ जो सच है। माँ जी तो सब जानती ही हैं। क्यों माँ जी, क्या कह रही है? निम्मी साफ साफ कहो बात क्या है। सच ये है आकाश कि मुझे नहीं लगता कि भाग्यवती की मौत सिर्फ एक हादसा थी, क्योंकि जिस रात उनकी मौत हुई उस वक्त घर में सिर्फ माँ जी मौजूद थी। और लोग तो ये भी कहते हैं कि आपको कोई खास दुख नहीं हुआ था उनके जाने का, ऐसा है क्या? और आज तो वो औरत, वो जो भाग्यवती के लिए काम किया करती थी, उन्होंने भी मुझे यही कहा कि भाग्यवती को किसी ने मारा था। अरे वो तो बावली हो गई है भाई, उसके साथ दहेज में आई थी, बावली हो गई है, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। ठीक, उनकी बातों में नहीं आती। तो ये रिपोर्ट, इसे जिस डॉक्टर ने बनाया है, बावला हो गया वो, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है कि भाग्यवती मां नहीं बन सकती और शायद इसीलिए आपने उन्हें मार दिया। और अब मेरी बारी, मुझे भी मार देंगी ना, क्योंकि मेरी रिपोर्ट में भी तो यही लिखा है कि मैं भी कभी मां नहीं बन सकती। बोलिए ना माँ जी, कैसे मारेंगी मुझे? जैसे भाग्यवती को सीढ़ियों से धक्का दिया था, या कोई नया तरीका सोचेंगी? बताइए ना, आप पोते के चाहत में अंधी हो गई है माँ जी, और किस किस को मारेंगी बताइए ना आज? निम्मी, माँ, भाग्यवती माँ नहीं बन सकती थी, इसका मतलब ये नहीं उसे जीने का हक नहीं था। निम्मी, मैं नहीं चाहता तुम्हारे ऊपर किसी भी तरीके का दबाव पड़े, या तुम्हारे साथ वो सब हो जो भाग्यवती के साथ हुआ। माँ खबरदार, अगर निम्मी के ऊपर किसी भी तरीके का दबाव डाला तो। अरे बेटा, हमने कुछ नहीं किया है, हम सच कह रहे। माँ बस करो, बहुत हुआ। निम्मी, अब हम इस घर में एक पल भी नहीं रहेंगे। हाँ? अरे आकाश, निम्मी हमारी बात तो सुनो। अरे हमारी बात तो सुनो। अरे आकाश, आकाश कहीं मत जाना, कहीं मत जाना, मुझे छोड़। आकाश, 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 बोरिया हमारी बात सुन लो, हमारी बात सुन लो, तुम कहीं मत जाओ, कहीं मत जाओ हमको छोड़ के। अरे हम कैसे रहेंगे तुम्हारे बगैर भाई, ऐसे अकेले मत छोड़ कर जाओ हमको। अरे हमारी बात सुनो भाई। बस माँ जी, मुझे आपके मुंह से एक भी शब्द नहीं सुनना, ऐसे हमको छोड़ कर मत जाओ। हम कैसे रहेंगे तुम लोगों के बगैर? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ माँ जी, मैं आपके साथ एक भी दिन नहीं रह सकती। मुझे नहीं पता आप कैसे किसी इंसान की जान लेके रह लेती। हम कैसे तुमको विश्वास दिला? हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हमारी बात मानो, हमने कुछ नहीं किया है। हम हाथ जोड़ रहे तुम्हारे आगे, हम हाथ जोड़ रहे, मत जाओ हमको छोड़कर। की खातिर वापस आए हो ना तुम? बोलो, क्या लिखा है इसमें?
कि हमारी निम्मी बहुरिया माँ बन सकती है, तो ये भी हो सकता है कि शायद भाग्यवती भी माँ बन सकती थी। और इसमें क्या लिखा है, इसमें कि तुम बाप नहीं बन सकते। क्या? हाँ, काशिप माची क्या कह रही हैं? अभी अभी जो उन्होंने कहा वो सब सच है क्या? चुप क्यों कर रहे हो? बोलो ना, जवाब दो। कहाँ जा रहे हो? अरे कहाँ जा रहे हो, कुछ बोलोगे? जवाब दो ना, क्या कर रहे हो? बोल दे। चुप। हाँ, मुझ में है कमी, नहीं बन सकता मैं बाप। तो उसमें मेरी क्या गलती है माँ? इसमें मेरी क्या गलती? जिस दिन से मैंने शादी की है एक ही रट लगाती आई हो तुम। बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए। अरे कहां से लाऊंगा बच्चा? नहीं पैदा कर सकता मैं बच्चा। और ये बात घर से बाहर ना निकले इसलिए मैंने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। उसके बाद भी आप लोग माने नहीं ना, जबरदस्ती मेरी दूसरी शादी करा दी। अरे नहीं करनी थी मुझे दूसरी शादी। और उसके बाद भी अम्मा जी बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए। इसलिए मैंने उनको भी मार डाला। मेरा बाप, आपको भी पोता चाहिए ना? स्वेटर बुनने जा रहे हैं ना? पोता चाहिए आपको? रुको। माँ जी, क्या किया तुमने? मार दिया। ये तुम्हारी माँ थी, इन्हें भी मार दिया? हाँ, और किस किस को मारोगे बताओ? किस किस को मारोगे तुम? तुम इंसान नहीं हो, हैवान हो तुम। अपनी माँ को मार दिया। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये बात मेरे घर से बाहर निकले। मैं नहीं चाहता था कि लोगों को मेरी कमजोरी के बारे में पता चले। और मैं नहीं चाहता था कि लोग मुझ पर हंसे। जिसको भी पता था मैंने सबको मार डाला। इम्पोर्टेंसी एक पुरुष के लिए सामाजिक प्रतिष्ठा का सवाल बन जाता है। लोग मजाक ना उड़ाएं, समाज हंसे ना, इस डर में भीतर ही भीतर क्या कुछ घट रहा होता है इसका अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। शारीरिक कमी से जूझ रहा एक शख्स उस कमी को छिपाने के लिए क्यों बाध्य हुआ, क्यों इस हद तक चला गया, ये हम सब के लिए सोचने का विषय है। संतान पैदा करने में असमर्थ पुरुष को समाज किस दृष्टि से देखता है ये बात आप भी अच्छी तरह जानते हैं। बात बाहर न चली जाए इस डर से एक आदमी ने अपनी पहली पत्नी और दादी की हत्या की, उसके बाद दूसरी पत्नी और माँ को भी मारने वाला था। अगर माँ ने ऐन वक्त पर हिम्मत ना जुटाई होती तो वो अपनी और अपनी बहू की जान गंवा बैठती। शारीरिक तौर पर अशक्त इंसान के लिए समाज में जगह बन सकती है, लेकिन उस इंसान के लिए नहीं जो अपनी कमी छिपाने के लिए पूरे परिवार को ही तबाह कर दे। कमी छिपाकर इंसान कुछ वक्त के लिए झूठी इज्जत बचा सकता है, लेकिन कब तक? अगर आकाश सच्चाई को स्वीकार कर लेता तो उसकी जिंदगी आसान हो जाती। सही डॉक्टरी परामर्श भी उसकी जिंदगी को नई दिशा दे सकता था, लेकिन वो डर गया और दबाव में आकर जघन्य अपराध कर बैठा। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर। तारों का सबका कहना है। भैया, आप शादी के लिए मान गए? हजारों में
मेरी बहना। थी सारी उम्र हमें संग, बहन को मारकर भाई को होता नहीं दर्द, कहां से आती है ऐसी भयानक सोच। इस बार सुलझाएंगे ऐसी ही उलझी सोच के धागे, ताकि आप रहे जुर्म से एक कदम आगे। नया सीजन, नई अप्रोच, डिकोड करेंगे अपराधी की सोच। सावधान इंडिया क्रिमिनल डिकोडेड, 26 सितंबर से रात 10:30 बजे स्टार भारत पर।